हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी का सुबह टाइम 7 बज रहा है। मैं सुबह सुबह नहा कर रेडी हो गई हूँ, तो जा रही हूँ नाश्ता बनाने। सुबह सुबह नहा कर काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और प्रेम जी गए हैं दूध वगैरह लेने, और यहाँ पे डेजी बेचारी अकेले है। जाने के लिए बाहर निकल गई थी। नहीं नहीं डेजी, नहीं 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 नहीं, इतनी प्यारी है, चाट क्यों रही है मेरी। तभी ये हमको मतलब बोल रही है कि आप ऐसे ऐसे सहलाए पेट में, इसको पेट में सहलाने से अच्छा लगता है। देखिए जब ये आए तो ये पहुंच गए गेट के पास पहले ही। और यहाँ पे मेरी बेटी, क्या हुआ बेटा, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। अभी मेरे पास आएगी तो चलिए नाश्ता बनाने चलते हैं। नाश्ता में शायद भुजिया रोटी बनाएंगे, करेला का भुजिया। बस बस बस, अब जा रहे हैं नाश्ता बनाने। नाश्ता में लेट हो गया काफ़ी डेजी। हमने नया गैस कनेक्शन करवा लिया है, 2 चूल्हा वाला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 गैस लगा हुआ है, मतलब दोनों गैस। यहाँ पे तो 2 चूल्हा है, यहाँ पे 1 चूल्हा है। तो पहले का है, इस पर चढ़ा हुआ है चिकन डेजी का, और इस पर चढ़ाएंगे भुजिया। यहाँ पर चढ़ा है दूध। भुजिया बनाने के लिए गरम तेल में डालेंगे 1 मीडियम कटी हुई प्याज, और इसे 1 से 2 मिनट तक भूंजेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि करेला डालेंगे तो जलेगा नहीं। मैंने करेला को काट कर और इसमें नमक डाल के छोड़ दिए थे, और उसके बाद धो दिए ताकि करेला कड़वाहट ना हो। और भुजिया भी बहुत टेस्टी बनता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसी समय। भुजिया को ढककर पकाएंगे। इधर भुजिया भुजा रहा है, तब तक इधर रोटी बना लेते हैं। तवा गरम हो गया, इसे डाल देंगे रोटी, और भुजिया को भी चला लेते हैं इधर। देखिए भुजिया भुजा गया है, बस भुजिया कितना ही भुजेंगे, और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप इस भुजिया में आलू भी डाल सकते हैं, नहीं तो बिना आलू प्याज के भी बना सकते हैं। भुजिया रोटी बना लिए हैं। जब से 2 चूल्हा गैस कर दें तब से खाना या नाश्ता बनाने में आसानी हो गया है, जल्दी से बन भी जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी को, क्या बेटा भूखू लगा है, इसको दूध के ऊपर नज़र पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे दूध रखा हुआ है, क्या बेटा रुको रुको, ये अपना दूध ले ली, खुश हो रही है। लेकिन ये इस तरह से नहीं पिएगी, भले ही ले ली है दूध, पिएगी नहीं। इसको कार्टून दिखा कर दूध पिलाना पड़ता है, नहीं तो ये सब दूध खत्म नहीं कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से दूध पिलाते हैं। क्या बिट्टू दूध पी रही है तन्नु? हाँ, अब मोबाइल दे रही है ताकि हम उसको कार्टून दे सके। क्या बेटा, देखिए इसको इस तरह से दूध पिला रहे हैं, कार्टून भी देख रही है और दूध भी पी रही है। क्या बेटा दूध पी रही है? तो मैं प्रेम जी से पूछती हूँ, नाश्ता बनकर तैयार है, नाश्ता करेंगे कि नहीं? ट्यूशन में बच्चों को छुट्टी दे देते हैं उसके बाद। हाँ अभी ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अभी इनको नाश्ता करने में आधा घंटा टाइम लगेगा, तो रुकते हैं। अब ये भी बेड पे चढ़ेगी नाश्ता करने। आजा मेरे बेटी, मेरे करेला रोटी और आम का गुड़म्मा और हैं। क्या बड़े जी, डेजी को भी लग रहा है ऑमलेट का महक आ चुका है, इसलिए वो भी भौंक रही है। हमको भी तो खाने को, पर ऑमलेट में क्योंकि तेल लगा है इसलिए उसको नहीं देना है, खाना है। डेजी शांत रहो। डेजी यहाँ साइड से भौं भौं कर रही है। भुजिया का बड़ा अच्छा से भुजी है, अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। और रेटी क्या कर रही है बेटा? बेटी ऑपरेशन कर रही है अंडा का। तो हम भी अब नाश्ता करते हैं और खाने के बाद मिलते हैं ना। दिखाई इधर देखिए कि कितना इसको ब्रश करने का शौक रहता है। यही था मेरा सुबह का रूटीन,
मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि कमेंट से पता चलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।